कैचराइज महेश केश वाला ए के ए थगेश, वेलकम वेलकम टू द थगेश शो सीजन 1 एपिसोड 6। वाओ गाइस, 6 एपिसोड हो गए एंड मेरे को अभी तक नहीं समझ रहा कि वो 30 सेकंड में जो चल के आता उसमें क्या नया करूं। वो क्या है, 30 सेकंड वॉक करके कंटेंट बनाना हमारी आदत नहीं है। एंड आई नो पिछला एपिसोड बहुत लेट आया था, लेकिन समझा करो गाइस, आईपीएल चल रहा था एंड मैं नहीं चाहता कि आईपीएल के बीच में वीडियो डाल के मैं आईपीएल की रीच खराब कर दूं। जस्ट किडिंग गाइस, जोक से मैं किसी भी मायने में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा शो आईपीएल से बेटर है, नहीं, वहाँ पे बेटर स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग की बात चल ही रही है तो बात करते हैं आज के हमारे आने वाले गेस्ट की। इन भाइयों को ना फनी होने के लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है, ये लोग ABCD भी पढ़ देना फनी हो जाती है। लोग शॉर्ट्स एंड रील्स भी स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन इनकी वीडियो के नीचे पता है क्या कमेंट्स होते हैं? क्या यार, बस 1 घंटे की वीडियो। जिनसे खुद बॉलीवुड कोलैब मांगता है, जिनकी हर अपलोड के पहले नेट रिचार्ज की संख्या बढ़ जाती है, जिनका हर अपलोड यूट्यूब सर्वर की परीक्षा लेता है। गाइस प्लीज वेलकम ऑफिशियली द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट ऑन द थगेश शो, ज़ैन वसीम नाज़िम AKA राउंड 2 है। ये वो नहीं है, ये क्यों बेइज्जती करवा रहा है? वो नहीं, नहीं, नहीं है। आजा बेटे, आजा। इस पे जेल नहीं होती है। अच्छा, ये फैमिली शो है। अरे क्या कर रहे थे भाई, बैठो। क्या कुछ गलत था क्या? भाई लोग ऊपर बैठ सकते हो। ऊपर भी बैठ सकते हैं, ये हमारे लिए है। अपने लिए स्पेशल, बैठो बैठो। आदत नहीं है ना ये छोटे मोटे शो की। अच्छा, छोटा मोटा शो? छोटा मोटा, छोटा मोटा, बड़े बड़े शो में बैठते हैं ना हम लोग। कौन से बड़े शो में? छोटे मोटे शो नहीं। कौन सा शो बड़ा है तुम्हें बताने बाद में। चलो, आपने शुरुआत कर ही दी है तो मैं भी रोस्ट की शुरुआत करता हूँ। ऑनेस्टली राउंड 12 जैसा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है। आई थैंक गॉड फॉर दैट। वो तो सबको पता है, आगे बताओ। देखो, एक सवाल था, अच्छा कंटेंट कैसे बनाएं, इसके ऊपर कुछ टिप्स। अरे ये दूसरे एपिसोड का क्वेश्चन है। इधर क्यों डाला है? रोस्ट हो रहा है क्या? ये हो गया, चलो जैन भाई यहाँ से। इसलिए आया था मैं यहाँ, बेइज्जती के लिए आया हूँ मैं। अभी तो एक और है, रुको। मैं रोस्ट मार तो दूं, लेकिन ये है कौन ही? मतलब तू ले आया मुझे यहाँ पर कि एक शो है। वैसे शो का नाम क्या है? थगेश शो। थका हुआ शो लग रही है यार। लिखना पड़ा है यहाँ पर ही नहीं? लिखना पड़ा है। जो बाहर वाले हैं उस पर लिखा हुआ नहीं होता, काउंटर पे। नाइस वन, नाइस। आपको पता है राउंड टू हेल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या सिमिलैरिटी है? क्या है? दोनों में लड़कियां नहीं होती। हमारे में होती है, हम खुद बन जाती है, जरूरत नहीं। बट तुम चारों में जैसा मैं देख रहा हूँ यूनिटी बहुत है। में तो तीन यार, हाँ, आप तीन और येलो डॉलर साइन। ओ, यू आर राइट। लेकिन ये हमारे कंटेंट को लेके हमारी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन कपूर एक्टिंग की क्लासेस लगा रहा है। ये तो बहुत बुरी होगी, इतना बुरा हो गया। ओ वैसे थगेश, लोगों के जो चैनल होते हैं वो इंस्पायर करने के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारा ना एक्सपायर हो जाना चाहिए। बोल लो, मुंह बना के बैठे हो। बच्चों का थोड़ा फायदा हो जाएगा, ऐसे कंटेंट देखेंगे तो खराब ही होगा। ऐसा लग रहा अपना हो गया। ये तो पता ही नहीं कहाँ को गया है। और ये वाला तो मैं रखूंगा, आगे बन जाएगा। ये सच में नहीं पता कहाँ को गया ये पंच। वैसे तो मेरी तरफ हो, वो व्यूज की तरफ है। ऐसा लगा ना जैसे इसकी वीडियो जाती हैं, 2-3 देखी मैंने।
रोस्ट से हटके मैं सवाल थोड़े पूछता हूँ आपको. मेरे को जब कमेंट्स आते हैं ना वी मिस ओल्ड थगेश, तो वो 2-3 साल पहले वाले थगेश की बात करते हैं. आपको जब कमेंट्स आते हैं ना वी मिस ओल्ड R2H, वो आपके 2 वीडियोस पहले की बात कर रहे होते. तो मतलब इतने कम वीडियोस क्यों आते हैं? 2 साल पहले थगेश नाम का कोई था भी? देखो अपनी लंबी वीडियोस होती हैं, है ना, बहुत लंबी वीडियोस होती है. जैसे तुम्हारी होती है 12 मिनट की, तो 12 मिनट पे तो हमारा टाइटल आता है कि वीडियो शुरू होगी. अब टाइम तो लगेगा, है ना. थगेश गलत गलत भिड़ गए तुम आज. भाई लोग रोस्ट खत्म हो गया. तो हो गया, अब ये लास्ट तक चलेगा. स्त्री का सलमान खान. भाई देखो कंटेंट कंटेंट भी हमारा चमारी करना पड़ रहा पंच मारने के लिए. जेन्युइनली मेहनत लगती है ना, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत. क्या प्रोसेस होता है स्क्रिप्टिंग का, राइटिंग का वगैरह? स्क्रिप्टिंग करते हैं हम बैठकर सारे साथ, फिर उसमें भी हमें 15 दिन चले जाते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन. 15 दिन में मेरी 5 वीडियो आ जाती है. भाई अभी तो स्क्रिप्टिंग चल रही है. अच्छा, अभी उसको फिर लोकेशन देखने के लिए 15 दिन चले जाते हैं. मेहनत तो है, मतलब इनको देखना पड़ता है इनके वीडियो पहले रिलीज हो रहे हैं या वसीम पहले रिलीज होएगा. वसीम भाई आप बड़े एक्साइटेड, आप बताओ. हाँ, क्या किस्सा था? कौन सा वाला? जब अंदर थे आप जेल में. बहुत बढ़िया माहौल था. कि इस लफ्जों में बयां है कि दुश्मन भी ना जाए, इतना बढ़िया था. बट ठगेश जाए. ठगेश जाए. एक बार जाके एक्सपीरियंस करो, फिर मुझे बताना कैसा एक्सपीरियंस दिया. देखो ये एक्सपीरियंस जो ना लोगों को जाके पता चलता है, खुद यहाँ पर बैठ के यहाँ पे ठगे शो लिख कर पता नहीं चलता. इसको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, इसको याद भी नहीं है नाम, तो बार बार ऐसे आके देख रहा है. अरे भाई कौन है तू? वसीम भाई की कोई बेइज्जती नहीं करेगा. सही, हम बहुत इज्जत करते हैं वसीम भाई की. हमारे चक्कर में 15 दिन रह के आए थे और अभी 30 दिन और रहेंगे इस शो के बाद. सर तुम्हारे चक्कर में मैं भी रहूंगा अंदर. बस हो गया, हो गया बेटे, हो गया. गाइस नाज़िम भाई, नाज़िम भाई आपका निकनेम है दल्ला. इनकी देन है वो. ये इनकी राइटिंग थी जी. देखो ऐसा होता, आप जानते होगे कि बॉलीवुड से नाम निकलते हैं, किंग खान, एक था टाइगर से टाइगर, पठान पठान, ऐसी नाज़िम भाई है ना, हमारी वीडियोस से निकलते हैं दल्ला. और कोई बढ़िया निकनेम पड़ा है आप लोगों का? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है. वसीम. बाकी में है यार, मैं पर्सनली नहीं, मैंने कोई वो नहीं निकाली है, वीडियो से है, वीडियो में है वसीम. अबे अभी भी भाई की स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे हो तुम लोग. बट मीम्स तो काफी बने थे ना उस पे आपके? हाँ मीम्स तो अभी तुमने भी बनाए होंगे कुछ थोड़े वो. मीम्स देखना है आपको. चलो बढ़ते. व्हाट इफ यू वेयर अ मीम. किस कदर का सलमान खान. ये बढ़िया डिस्कस करने 1.5 करोड़ पैकेज थे. अरे ये लटक रही टिप. मैंने नींबू निचोड़ दूंगा. मेरी क्यों मारी? आप ग्लास फेंक के मारेंगी मेरा सर फट जाएगा. मैं आपको क्यों मारूंगी? मेरी अम्मा के साथ साउथ अफ्रीका जाना. ये बढ़िया थे, काफी अच्छे मीम थे. थैंक यू. नेक्स्ट मीम. इंडक्शन मोटर स्टार्ट. ये बनता है.
अभी भी है कुछ कहाँ कहाँ जाएगा ये सारे मार्बल्स में घूम के ये हो क्या रहा है सारे सारे यूनिवर्स में घुमा दिया एक बार करके दिखाना भाई उइया 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 नेक्स्ट मीम ओ लेटर ये क्या कर रहे हैं ऐसे कौन खाता है अरे अरे आका आका को फेल दिया How are you? I am under the water. जबरदस्त रहने दो कैरियर तुम्हारा इसमें नहीं है इसमें ही है ना बहुत शानदार यार लास्ट मीम और भी है फ्रेश महसूस हो रहा है एकदम ताजा ताजा नाज़िम भीम नाज़िम बीइंग इन बॉलीवुड अरे एक प्लेट बिरयानी तो है तुम्हें बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना खुद की एक पूरी ना है लेग पीस दो मांग लिया फ्रेश महसूस हो रहा है एकदम ताजा ताजा फ्रेश महसूस हो रहा है सोल्जर्स असेंबल सोल्जर्स ये तो सब टिकटॉक वालों की सोच है मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ क्या बोलती है तू चौकीदार लगा है चौकीदार एटीएम में बैठने वाला मुन्ना तो डॉक्टर है ना डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 4 बेहोश हो गया अब्बा तूने फैलाई है कि मैं 10वीं में 10 ग्राम पी लूं हां दरोगा साहब मैं बाहर ना आऊंगा तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है बढ़िया बढ़िया जी बहुत अच्छा कौन सा बढ़िया लगा सबसे सारे अच्छे थे मुझे आका वाला बढ़िया लगा जो मोरी मैया नाजिम भाई जंगल वाला वीडियो के ये ज़ॉम्बी आप जो बने थे एडम वो पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर राउंड टू हेल का दोनों वीडियोस का तो उसके पीछे क्या किसके पीछे एडम के कैरेक्टर के पीछे एडम के पीछे वो शूट पे कैसा था सब स्मूथ तक वो ज़ॉम्बी लेके कैसे आया वो ज़ॉम्बी जो पब्लिक है क्या ऑडिशन लिया था या क्या किया था नहीं मारे थे कई सारे ऑडिशन लेना पड़ा था ऑडिशन लेना पड़ा बन नहीं पाते ना ज़ॉम्बीज साले हंसते हैं वो ज़ॉम्बीज का हंसता हंस रहे थे और बहुत सारे तो हंस रहे थे उनको 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 आवाज निकालने के लिए बोल रहे हैं तो हंस के दिखा रहे हैं ज़ॉम्बीज को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी अच्छा इस पे ज़ॉम्बी का एक किस्सा याद आया हम लोग ज़ॉम्बी का शूट करके तीसरा डे था शायद है ना और घर आ रहे थे वापस कार में तो उस कार में हमारे साथ 5-6 ज़ॉम्बीज जो थे ना वो भी थे पीछे बैठे थे मेकअप किए हुए हाँ मेकअप बिल्कुल प्रॉपर मेकअप और मैं जैन बैठे हुए थे वसीम भाई अलग कार में थे शायद अब साइड से कार आई पुलिस वालों की उन्होंने आगे लगाई आगे लगा के उन्होंने रोक लिया अंदर आए उन्होंने चेक करा अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा कि इनको क्या बताएं हम तो जैन कह रहा क्या बताएं मैंने इन्हें वॉकिंग डेड के 7 सीजन दिखा तो भी समझ में नहीं आ वो फिर निकला एक उनको ये लगा होली का टाइम था हाँ तो ये होली वोली खेल का होली वोली खेल इन मुंह में कौन सी होली गोली है या होली नहीं इनको गोली मारी है तो ऐसे तो फिर अभी वाले वीडियो में भी हुआ रहेगा जो लेटेस्ट आपने बनाया मैन ऑन मिशन वाला हाँ उसमें ऐसा हुआ बंदूकें लेके घूम रहे हो कुछ AK-47 थी वो सारी हाँ ना ना इशू तो बहुत आए हैं अभी भी जेल से आने के बाद भी एक हो गया था हाँ जो मैंने फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे तो पुलिस वाले आ गए थे कि भाई नहीं पड़ रहा है क्यों शॉप कर रहे हो ये चीजें मैं कह रहा डमी है सर ये तो शूट का फोटो है तो वो भी चेक किया था पुलिस स्टेशन में कि वो वाली गन लाकर दिखाओ जो तुमने यूज की है उनको दिखाई फिर उन्हें विश्वास हुआ फिर जाकर